जय माँ काल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर शानदार तरीके से आपके अपने YouTube चैनल दान वाले जब पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब बढ़िया चल रहा है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का ये क्लास सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मतलब आप छोटे क्लास के स्टूडेंट हो सकते हो, या फिर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एस्पायरेंट हो सकते हो, मगर ये चीज सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये चीज क्या है? यह है वैदिक मल्टीप्लीकेशन। साधारण शब्दों में कहा जाए तो गुणा करने का शॉर्ट ट्रिक। गुणा मतलब ये जो वर्ड है ना, गुणा भागा, ये कैलकुलेशन का जो चक्कर है, ये आप चाहे कोनो एग्जाम में बैठ जाओ, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। आपको हर एग्जाम में ये परेशान करेगा। बड़ा लेंदी होता है यार, टाइम टेकिंग, मतलब कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा टाइम जाता है। तो बेहतर है ना हम शॉर्ट ट्रिक सीख कर इसको कम समय में निपटा दें। तो आइए सीखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं पहले। जैसे 54 को मान लीजिए 36 से गुणा करना है, कैसे होगा? 4 से 24, 8 से 9, 2 6 5 30, 4 से 12 42, 44 का 4, 8 से 9 4, 5 से 15 4, 19 44। इतना टाइम में आप निपटा दोगे इसको, मतलब 2-4 सेकंड के अंदर अंदर हो जाएगा। हाँ, गुना से याद आया, आप लोगों को गुना करने का नॉर्मल तरीका तो आता है ना? आप लोग सोच रहे हो पगला गए हो क्या सर? नॉर्मल तरीका तो दो क्लास के बच्चों को भी आता है। कोई बात नहीं भाई, नाराज क्यों होते हो, वीडियो पर बने रहो, लास्ट में एक सरप्राइज है, मजा आने वाला है। तो आइए इसका मेथड को पहले सीखते हैं। ये वैदिक मल्टीप्लीकेशन का जो तरीका है ये कैसे काम करता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इन दोनों को गुणा करना है, उसके बाद इसको इससे फिर जोड़ना है, लास्ट में 5 को 3 से गुणा करना। मतलब स्टेप्स लिख देता हूं मैं। पहला स्टेप यूनिट डिजिट जो है 4 और 6, इसको गुणा कर लो। फिर दूसरा स्टेप में इस 4 को 6 से हो गया, अब इसको 3 से, फिर 5 को 6 से, मतलब क्रॉस क्रॉस गुणा होगा। जैसे 4 का 3 से हो गया और 5 का 6 से, फिर इन दोनों को जोड़ देना है। और तीसरा स्टेप जो है वो ये है 5 को 3 से गुणा करना है। ठीक है, इसमें हम लोग कैसे किए? 4 6 24, 24 का 4 हासिल में रहा 2, उस 2 को साइड में लिख लीजिए या दिमाग में रख लीजिए। उसके बाद 4 किया 12, 6 5 6 30, 12 और 30 में होता है 42, 42 और ये 2 मिला करके 44 का 4 हासिल का 4 लिखे साइड में। ठीक है, अब 5 किया 15 और 4 में हो गया 19। मामला क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए अगर आप लोगों को याद होगा तो मतलब प्रीवियस क्लासेस में हम लोग क्या कर रहे थे, स्क्वेयर्स निकालने की ट्रिक सीख रहे थे। तो स्क्वेयर्स निकालने का जो ट्रिक है ना, उसका लॉजिक यही है, मतलब यहीं से वो ट्रिक डेवलप होता है। तो आइए एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं, इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल एक लेते हैं। मान के चलिए 43 का स्क्वायर निकालना है, तो इसको हम लोग वैदिक मल्टीप्लीकेशन वाला तरीका से निकालते हैं। पहले 43 के स्क्वायर मतलब 43 गुना 43, तो इसको क्या किए थे, पहला स्टेप इस 3 को इस 3 से गुना करना है, 3 3 9, कोई हासिल बचा नहीं। अगला स्टेप 4 को 3 से, फिर 3 को 4 से गुना करना है, 4 3 12, 3 4 12, फिर जोड़ना है दोनों को, 12 और 12 में हो गया 24, 24 का 4 हासिल में रहा 2, फिर इस 4 को 4 से गुणा, 16 और 2 में 18। ठीक है, अब स्क्वायर वाला जो ट्रिक बताए थे उसको एक बार रिकॉल करते हैं। उसमें हम लोग क्या सीखे थे, 43 का स्क्वायर। तो इसमें क्या कर रहे थे, 3 के स्क्वायर 9, फिर क्या कर रहे थे, 4 को 3 से गुणा कर रहे थे, फिर 2 से गुणा कर रहे थे, 4 3 12 2 9 24, 24 का 4 लिख रहे थे। यहां देखिए ये 4 एक बार 3 से गुना हो रहा है, ये 4 एक बार 3 से गुना हो रहा है, वही चीज को हम लोग इसमें आपको समझाने, मतलब याद करने के लिए 4 को 3 से गुना करके 2 से कीजिए बोले, ये डबल हो रहा है ना, 2 बार हो रहा है, तो वही 2 है। ठीक है, मतलब ये कोई तरीका नहीं कि इसको इससे गुना करके इससे गुना कीजिए, वो बस याद करने के लिए है। तो यही है, 4 को 3 से गुना कीजिए, फिर 3 को 4 से गुना कीजिए, वो दोनों एड होगा, मतलब डबल हो जा रहा है। तो ठीक है, चलिए 4 3 12 2 9 24 का 4 हासिल में रहा 2,
फिर उसके बाद चार का स्क्वायर 4 16 और वो दो मिला करके 18 1849। क्लियर है मामला? ठीक है, चलिए अब एक 3 डिजिट वाला एग्जांपल लेते हैं। और हाँ, स्क्वायर निकालने के लिए आप स्क्वायर वाला ट्रिक याद करके भी कर सकते हैं, या फिर वैदिक मल्टीप्लिकेशन आप समझ लीजिए एक बार, इससे आप गुणा भी कर लीजिए, स्क्वायर निकाल लीजिए, सारा काम इसी से हो जाएगा, बढ़िया है ये तरीका। ठीक है, चलिए अब 3 डिजिट वाला सीखते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 423 को 265 से मान के चलिए गुणा करना है। तो इसके लिए स्टेप्स क्या है? स्टेप्स सेम है, मतलब ऊपर के लाइन का हर डिजिट को नीचे के लाइन के हर डिजिट से आपको गुणा करना, मतलब 3 को 5 से 6 से 2 से हर किसी से, मतलब जैसा नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में होता है ना, इसमें भी वही है। लेकिन नॉर्मल में हम लोग क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन लिखते हैं, गुणा करते हुए जाते हैं, फिर लास्ट में सबको जोड़ करते हैं। ठीक है, तो उसमें गुना अलग बार होता है, फिर लाइन बाय लाइन होगा, फिर उसको लास्ट में जोड़ना है। इसमें क्या हो रहा है, गुना भी साथ में हो रहा है, जोड़ भी साथ में होते हुए एक लाइन में हम लोग लिखते हुए जा रहे हैं। ये स्टार्टिंग में आपको बड़ा प्रॉब्लमेटिक लगेगा, आपको लगेगा क्या यार लेंथी प्रोसेस है ये तो, लेकिन लेंथी नहीं है, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। देखिए, प्रैक्टिस कीजिएगा ना, ये आसान हो जाएगा, आप कम से कम टाइम में ये निकाल सकते हैं। मतलब डायरेक्ट अगर एक बात बोले तो हम आपको गुणा भागा कैलकुलेशन के लिए शॉर्टकट बता सकते हैं, बट देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, ओनली हार्डवर्क कैन गेट यू देयर। मतलब शॉर्टकट नहीं है जिंदगी में, सफलता के लिए आपको हार्डवर्क ही एक तरीका है। तो चलिए ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा ये सीखने के बाद। इसका स्टेप्स बता देते हैं। पहला स्टेप क्या है, 3 को 5 से गुणा कीजिए। दूसरा स्टेप, यहाँ 2 डिजिट तक, 3 को 6 से 2 को 5 से, 3 को 6 से फिर 2 को 5 से, हो गया। तीसरा स्टेप, 3 का 5 से हो गया, 6 से हो गया, 3 को 2 से, 3 को 2 से हो गया, अब ऊपर का 4 को 5 से, ये 4 को 5 से, ठीक है, 4 को 5 से और 2 को 6 से, फिर आपको इन सब को जोड़ देना है। ठीक है, दिख रहा है ना? ठीक है, थोड़ा जूम करके देख लीजिए, मतलब हो जाएगा, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा सकते हैं अगर देखने में प्रॉब्लम हो तो। अब आगे क्या है, चौथा स्टेप, हम लोग यहां तक पहुंच गए, यहां से स्टार्ट करते हैं, पहले इससे, फिर इससे, फिर इससे, पूरा कंप्लीट हो गया। अब सर मतलब आगे पहुंच जाएंगे हम लोग। अब फिर आता है 2 को 2 से 4 को 6 से, 2 को 2 से गुणा कीजिए प्लस 4 को 6 से गुना कीजिए, 2 को 2 से 4 को 6, हो गया ये, इसका भी काम खत्म हो गया। और लास्ट स्टेप बचा 4 को 2 से गुना कीजिए, 5वां स्टेप 4 को 2 से गुना कीजिए। तो देखिए करते क्या है, जैसे 5 दिया 15 का 5 हासिल में रहा 1, ठीक है, 5 दुनी 10 6 दिया 18 18 10 28 1 29 हासिल में रहा 2, 5 4 20 3 दुनी 6 20 6 26 और 6 दुनी 12 26 और 12 में हो गया 38, 38 और 2 में 40 का 0 हासिल में रहा 4, 6 4 24 2 दुनी 4 24 4 28 और 4 में 32 हासिल में रहा 3, 4 दुनी 8 और 3 में 11 112 095, ये हो गया इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, चेक कीजिए कैलकुलेटर से। तो आप एक लाइन में इसको निपटा सकते हैं आसानी से। ठीक है, क्लियर? अब इससे बड़ा अगर गुना आएगा ना, तो उसके लिए हम बेहतरीन मेथड बताने वाले हैं फ्यूचर में, मतलब किसी क्लासेस में। ठीक है, तो चलिए अभी 2 डिजिट और 3 डिजिट तक ही इसको रखिए, इतना भी अभी बहुत काम का चीज है। तो हाँ, अब आते हैं सरप्राइज वाली बात पे। तो आपको क्या बोल रहे थे कि आपको नॉर्मल तरीके से गुना करना आता है कि नहीं आता, यही हम पूछ रहे थे। तो आप लोग बता रहे थे कि हाँ आता है। चलिए ठीक है, एक एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। मान लीजिए 672 है, उसको 235 से आपको गुना करना है। पहले आप क्या करते हैं, 5 को 2 से गुना करते हैं, 5 दुनी 10, बाकी जो भी है 5 का लाइन चलेगा इधर और कंटिन्यू, ठीक है, उसके 3 का लाइन चलेगा, 3 दुनी 6 को क्या आप यहां लिखते हैं, नहीं, यहां गुना चिन्ह लगाते हैं, 6 यहां लिखते हैं, आगे वो लाइन चलता है। फिर 2 का बारी आता है, 2 दुनी 4, 4 को यहां लिखते हैं, नहीं, यहां गुना चिन्ह लगाते हैं, 4 इधर, फिर आगे चलता है। आप यहाँ जो क्रॉस चिन्ह लगाए, यहाँ क्रॉस चिन्ह लगाए, क्या मतलब है इन चिन्ह का, मतलब क्यों लगाते हैं? आप तो बोल रहे हो कि मतलब पूरा समझते हैं गुणा बनाने हमें आता है,
लेकिन वास्तविक में एक मतलब इसका क्या है, रीजन क्या है, ये सब कहे कर रहे हैं? कभी सोचा है? बचपन से तो बनाते आ रहे हैं, लेकिन कभी हम लोग सोचते नहीं ना, कैसे सोचते हैं? हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, इसमें सोचना अलाउड नहीं है। आपको टीचर्स जैसे बताएंगे उसको रट्टा मारना है, एग्जाम में जाके लिखना है, मार्क्स लाना है, बस यही है यहाँ का तरीका। मतलब ये एजुकेशन सिस्टम ही है, कभी किसी ने बताया ही नहीं है कि सोचा भी जा सकता है चीजों को, नहीं सोचना अलाउड ही नहीं है। मतलब यहाँ इनोवेशन क्रिएटिविटी से किसी को कोई लेना देना नहीं, जो परंपरागत तरीके से जो चीजें चली आ रही उन्हें पढ़ो, रट्टा मारो, नंबर लाओ, ठीक है? ये सारे मिल के हमको पागल बना रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, द नॉलेज ऑफ किस्मत की दवा है, हम आगे है ना, करते हैं प्रबंध। इस चैनल पर आपको केवल मैथ सॉल्व करना नहीं बल्कि सवाल करना सिखाएंगे, आपको सवाल आएंगे नए नए दिमाग में। मतलब यही तो है एजुकेशन का मतलब क्या है। मतलब अल्बर्ट आइंस्टाइन मालूम है क्या बोल के गए हैं? अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते थे, एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। मतलब दिमाग का ट्रेनिंग होना चाहिए एजुकेशन में सोचने के लिए, बस जो मतलब पहले से बताई गई बातें हैं उन्हें पढ़ लेना एजुकेशन नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, जैसा चल रहा है अब आगे सब सही होगा। तो अब थोड़ा चैनल का प्रमोशन कर लेते हैं, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोक दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं और अच्छा लग रहा है चैनल, मजा आ रहा है पढ़ाई करने में, तो नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके राइट पे आने वाले बेल आइकन को जरूर से दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और हाँ एक और बात, ये जो सवाल पूछे हैं इसका जवाब जिन लोगों को आ रहा होगा या जो समझ सकते हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जिनको नहीं आ रहा उनको तो बताना ही है, अदरवाइज हम मतलब ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर कर देंगे ना। अब तो आप बताइएगा आप लोग कि नहीं समझ आया क्या वो रखा है, मतलब ठीक है। और क्या कर रहे हो, अकेले अकेले वीडियो देखोगे, अकेले मतलब शिक्षित बनोगे? यार पूरे भारत को शिक्षित करना है हमें, पूरे भारत के सारे गांव गांव तक के बच्चों को मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट जगाना है, शेर और मारो यार। वो एक सर है ना बोलते हैं दबा के शेर ठोकिए बेटा, सेम भावना है, मार दीजिए शेर, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।